हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। इससे पहले दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी 5 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं, सारा वीडियो का हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न तो आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है, 4 जून 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के किस डैम पर 100 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा। आपको बताना है, 4 जून 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के किस डैम पर 100 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो वह डैम है दोस्तों गैतलस्तूप डैम। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों आर के आनंद को चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो आप टेलीग्राम जाके सर्च कर सकते हैं सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, है ना। क्या लिख करना है, सुधीर क्रिएटिव क्लासेस जो चैनल का नाम है उसी नाम से हम टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम में लिख सकते हैं सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, वहाँ आ जाएगा, आपको जुड़ जाना है, ठीक है, ताकि आपको PDF मिलता रहे। आप ही लोग डिमांड कर रहे थे कि सर PDF दीजिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर आते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 को झारखंड के किस कला को GI टैग हासिल हुआ है। झारखंड के किस कला को GI टैग हासिल हुआ है। तेरा दोस्तों सोहराय को हासिल हुआ। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की किस युक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा युक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है दोस्तों सविता कुमारी। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला है, किन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको सम्मान से सम्मानित किया गया है। बताना आपको, इफको सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है। तो दोस्तों नरेंद्र कुमार को किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सबको पता होगा कि मात्र हम 12 से 15 मिनट में पूरा सेट करवाते हैं। इस वीडियो में भी हम आप लोग से मात्र 15 मिनट ही समय लेंगे, उससे अधिक समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पास अगर 15 मिनट भी समय है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आप लोग का झारखंड जैसे सीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस सेट भी मार के देख सकते हैं, ये सारे वीडियो रिपीटेड रहता है, सॉरी ये सारे प्रश्न रिपीटेड रहता है। देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, हाल ही में मकड़ी की दुर्लभ प्रजाति लेडी बर्ड स्पाइडर झारखंड में किस स्थान पर पाया गया है। तो दोस्तों नामकुम में पाया गया है। नामकुम कहाँ है, नामकुम रांची में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, विलेन एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलहान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताना है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलहान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर GP रजवार है, GP रजवार। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला है, झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 के अनुसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताना है, झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ तो शैलेंद्र महतो हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में त्रुटियाँ पाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर है और ये तुरंत तुरंत चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर हम आज वीडियो को शूट कर रहे हैं और रात में ही कुछ चेंजिंग हो गया, कल कुछ चेंजिंग हो गया, तो आंसर में कुछ डिफरेंट पाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको जो भी अपडेट मिलेगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि सही बच्चे को पता चले कि कौन सा करंट अफेयर चेंज हो चुका है, ठीक है। शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों संदीप मुरारक्का के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला है, अमृत कलश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अमृत कलश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों शशिकांत शशि हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला है, पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन है। पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन है। दोस्तों इसका लेखक है डॉक्टर रणधीर कुमार। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, प्लासिका एवं विजन टेक्निक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये लिखा गया है विनोद बिहारी महतो के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य के अनुसार
झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखना, तो झारखंड को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 14 नंबर प्रश्न। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता एवं निर्यात वातावरण रैंकिंग में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो बताना है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता एवं निर्यात वातावरण रैंकिंग में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना, झारखंड को 14वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 15 नंबर। देशी पर्यटकों के आगमन में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय दिनालय के मामले में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? आपको बताना है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों 8वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। अगला है, झारखंड में बनी फिल्म पूर्ण जागरण किस महापुरुष की जीवनी पर आधारित है? किस महापुरुष की जीवनी पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ दिन में करंट अफेयर का भी दोस्तों महामैराथन क्लास आएगा, जिसमें दोस्तों हम करंट अफेयर को मात्र 1 से 1.5 घंटा में पूरा कवर करेंगे। झारखंड का जितना भी करंट अफेयर है, सारा करंट अफेयर को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? जो भी 1 साल के अंदर करंट अफेयर आया है क्वेश्चन, सारा को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसीलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपसे आपके पास पहुँचेगा, ठीक है? इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों को सूची में झारखंड का कौन सा जिला तीसरे स्थान पर है? बताना है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों को सूची में झारखंड का कौन सा जिला तीसरे स्थान पर है? दोस्तों लातेहार जिला तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बस कह देना कि आऊँगा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों नंदा पांडे के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता एवं निर्यात वातावरण रैंकिंग में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो झारखंड को 14वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, झारखंड एक सेकंड देखिए, अगला प्रश्न 21 नंबर है। झारखंड की किस युवा कवित्री को इंडिया टुडे ने नई नस्ल कि 100 नुमाइंदे की सूची में शामिल किया है? बताना है, झारखंड की किस युवा कवयित्री को इंडिया टुडे ने नई नस्ल की 100 नुमाइंदे की सूची में शामिल किया है? जसिंटा लकड़ा। ऑप्शन नंबर जो इसका सॉरी केरकेट्टा है, जसिंटा केरकेट्टा। अगला है, ऑपरेशन एनाकोंडा निम्न में से किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है? दोस्तों सरंडा के नक्सलियों के विरुद्ध चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सरंडा के नक्सलियों के विरुद्ध ये चलाया जा रहा है। आपको कमेंट में बताएं दोस्तों कि सरंडा जंगल कौन सा जिला में पड़ता है, झारखंड का कौन सा जिला में सरंडा जंगल पड़ता है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा 22 का आंसर, ये 22 का, ठीक है? 22 क्वेश्चन में हम जो पूछे हैं आप लोग को, जो क्वेश्चन वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? देखिए 23 नंबर क्या है, झारखंड की चाकुलिया प्रखंड की रहने वाले शोभा हंसदा को किनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य हालिमोन के लिए निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्न में से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 24 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब 5 जिले कौन कौन सा है? सबसे गरीब 5 जिला कौन कौन सा है? दोस्तों चतरा, दुमका, साहेबगंज, पश्चिम सिंहभूम और पाकुड़ है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न, दोस्तों JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? दोस्तों आदिवा का लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्रेडिट लीकेज के माध्यम से झारखंड के सखी मंडलों को आर्थिक
मदद प्रदान करने हेतु किनके बीच MOU हुआ है, किसके बीच MOU हुआ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों JSLPS और इंडियन बैंक के बीच, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 26 नंबर प्रश्न है। अगला हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। अगला है झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता कौन, यानी सबसे अधिक आय किनका आता है? तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला है टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? चलिए हम लोग एक एक कर देखते हैं। पहला दिया हुआ है तीरंदाजी दीपिका कुमारी यह तीसरा ओलंपिक था, ये तो सही है। हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान का यह दूसरा ओलंपिक था, ये भी सही है। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे का यह पहला ओलंपिक था, ये भी सही है। यानी तीनों सही उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है प्रधानमंत्री कमेंट आया हुआ था झारखंड में सर पीडीएफ किस उत्पादक, इसलिए हम पीडीएफ के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन टेलीग्राम ग्रुप बना दिए ताकि आप लोग को पीडीएफ मिल सके। दोस्तों आप लोग को जिस रिलेटेड भी समस्या हो रही है आप लोग कमेंट राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तभी हम आप लोग का समस्या को सॉल्व कर रिसर्च फिल्म के। आप लोग क्या करना है किस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है ताकि आपको सभी वीडियो का पीडीएफ नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दो चार कमेंट आया हुआ था कि सर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ के लिए तुरंत हम चलिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए ताकि आप लोग को पीडीएफ।